जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती के बारे में। जो यूपी पुलिस की साइड है उस पर एक नोटिस जारी हुआ है और यूपी पुलिस की जो भर्ती है जेल वार्डन की, उसका ये नोटिस जारी हुआ है। तो दोस्तों देख लेते हैं, इसके वेबसाइट से ही सीधा आपको अपडेट करा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा नोटिस है जो उत्तर प्रदेश कारागार एवं सुधार विभाग जेल वार्डन के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में EOI का आमंत्रण है। तो दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं और इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये ओपन हो गया है, जो आदेश है जेल वार्डन का ये ओपन हो गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों ये सूचना है, ये 1 तारीख की सूचना है, 1/9/2023 की सूचना है। दोस्तों हम थोड़ा लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी ये आपका जो नोटिस है इसे आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो नोटिस है वो है रुचि की अभिव्यक्ति, यानी कि EOI के संबंध में ये भी एक नोटिस जारी हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में जेल वार्डन के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में EOI का आमंत्रण, तो जो EOI है इस भर्ती के संबंध में आमंत्रण जारी हुआ है। जो आपकी कारागार प्रशासन जेल वार्डन की जो भर्ती है वो जल्द आपको होने वाली है, उसके लिए नोटिस जारी हुआ है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस नोटिस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं बोर्ड लखनऊ द्वारा अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की भर्ती एवं पुनर्नियुक्ति हेतु चयन संबंधी समस्त कार्रवाई की जाती है। बोर्ड चयन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता एवं अधिकतम पारदर्शिता के साथ नवीनतम तकनीक का प्रयोग कर सूचनाओं का समयबद्ध प्रसारण तथा शीघ्र शिकायत निवारण प्रणाली अपनाते हुए संपन्न कराने हेतु करते संकल्प। यानी जो भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस कारागार यानी कि जेल वार्डन की जो भर्ती है, इस भर्ती को कराने के लिए जो EIO को जो ये नोटिस जारी हुआ है, उस संबंध में उन्होंने कहा है कि इस भर्ती को सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता और अधिकतम पारदर्शिता के साथ कराने के लिए और नई तकनीकों के अनुसार इस भर्ती को प्रभावी ढंग से कराने के लिए ये सूचना प्रसारण संबंध शीघ्र शिकायत निवारण इन सभी को करा देखते हुए इस भर्ती को प्रभावी ढंग से अच्छा कराने के लिए EOI जारी हुआ है। दोस्तों बात कर लेते हैं आगे। बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में जेल वार्डन के पदों पर सीधी भर्ती की कार्रवाई हेतु, जिसमें लगभग 6 लाख से 8 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, कि पूर्व एवं पश्चात की परीक्षा संबंधी कार्रवाइयों, ऑफलाइन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानिक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा अंतिम चयन सूची तैयार किए जाने की कार्रवाइयाँ कराई जानी हैं। तो दोस्तों जो भर्ती है, इस भर्ती के संबंध में जो उन्होंने कहा कि इसमें 6 से 8 लाख अभ्यर्थी के बैठने की उम्मीद जताई जा रही है, और जो भर्ती है वो ऑफलाइन आपकी होने वाली है, और लिखित परीक्षा आपकी जो ऑफलाइन होगी उसी के साथ शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि जो आपका फिजिकल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और इसके बाद जो अंतिम सूची होगी उसको तैयार कराने तक की जो जिम्मेदारी है ये कंपनियों को EIO के माध्यम से उनको सूचना दी जा रही है कि आप इसको अच्छे ढंग से कराएं। आगे बात कर लें, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा अंतिम चयन सूची तैयार किए जाने की कार्रवाइयां कराई जानी है। इसके लिए ख्याति प्राप्त कार्यदायी संस्थाएं जो उक्त परीक्षा से संबंधित कार्रवाई करने हेतु सक्षम हैं से EIO, जो कंपनियां हैं जो इस भर्ती को कराने के सक्षम हैं, जो करा सकती हैं अच्छे ढंग से, उनके लिए EIO भेजा गया कि आप कंपनियों को आमंत्रित किया गया कि आए और अच्छी जो कंपनी होगी उसको टेंडर दिया जाएगा और वही जो कंपनी है उस भर्ती को कराएंगी। दोस्तों बात कर लेते हैं EIO मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें आमंत्रित की जाती हैं ये कंपनियां, इनको आमंत्रित किया जाता है कि आप आए और इन भर्ती को अच्छे ढंग से कराएँ। आगे बात कर लेते हैं, उपयुक्त EOI भेजे जाने हेतु विस्तृत निर्देश एवं शर्तें, जो उसके निर्देश और शर्तें दी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट, जो इनकी वेबसाइट है www.uppp.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक कार्यदायी संस्थाएं दिनांक 15 तारीख दी है, 15/9/2023 तक ईमेल द्वारा बोर्ड की ईमेल आईडी संपर्क @uppp.gov.in पर
ईओ भेजे, साथ ही ईओ की हार्ड कॉपी अपर सचिव भर्ती भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रति बोर्ड तुलसी गंगा कम्प्लेक्स जो इनका विधानसभा मार्ग लखनऊ जो एड्रेस है उपलब्ध करा जाना सुनिश्चित करें। यानी जो कार्यदायी संस्थाएँ हैं वो अपना ईओआई जो है उसे भेजें, और जो सरकार की तरफ से जो मेल आईडी है वहाँ से भेजें, और जो सचिव हैं अपर सचिव उनके लिए एक हार्ड कॉपी भेजें कि 15 तारीख जो दिनांक दी है 15 तारीख तक जो कार्य संस्था हैं जो स्टैंडर्ड को लेंगी भर्ती को कराएंगी वो ईओआई है उसे भर्ती बोर्ड को 15/9/2023 तक भेजें। और जो सूचना है ये अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रति बोर्ड लखनऊ जो सूचना है ये 1 तारीख की सूचना थी जो अपर सचिव भर्ती बोर्ड के अपर सचिव हैं उनके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर दोस्तों आप चाहते हो ऐसे ही भर्तियों के बारे में जानकारी के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली भर्तियों के बारे में आपको अपडेट करा सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।